ये गोबर मानसिकता के लोग हैं। अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में अपराध कभी हुआ करता था, उसके जनक आरजेडी के लोग थे। इनको कुछ भी कह लीजिए, ये लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोग को जो मन में आता है वो बोलना चालू कर देना है। नीरज बबलू कौन है सो नहीं जानते हैं। क्या इतिहास रहा है नीरज बबलू का? क्या इतिहास? उनको हक है माने अपराध पर और जंगल आज पर बोलने का। हमको नहीं पता है कि क्या नीरज बबलू हैं। सो बोल तो रहे कि लालू तेजस्वी क्षेत्र में जो आतंक मचा के रखे हुए हैं कौन लोग है जो 90 के दशक में, आप लिस्ट निकालिए ना कि कौन लोग आतंक मचाए हुए था। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सम्राट चौधरी हो या और भी कोई नेता है जो लालू यादव पर अपना कटाक्ष करके और इस तरह का बयानबाजी करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। क्या दौर था, कोई बैठने देता था गरीब को? दलित और ओबीसी में बस 5 साल का तो फर्क है पानी का। सम्राट चौधरी का वो दशा हो गया है बीजेपी में कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। लेकिन बताए क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब बिहार में अपराध को लेकर सवाल उठाया तो भाजपा के नेता का जवाब आता है कि लालू और तेजस्वी को तो अपराध पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। अपराध जो भी होता था आरजेडी के राज में होता था। 1990 के दशक को याद कर लीजिए, जंगल राज के रूप में बिहार को जाना जाता था। इन सब मुद्दों के साथ जनता के बीच इनसे जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं। जब भी तेजस्वी अपराध को लेकर कुछ बोलते हैं उनको जंगल राज की याद दिलाई जाती है, 1990 का दशक याद दिलाया जाता है। आप लोगों से भी छुपी नहीं है, आज प्रदेश की पूरी जनता ये बात से वाकिफ है, इस बात को जान रही है कि अभी महाजंगल राज चल रही है। चाहे मॉब लिंचिंग की बात करें या की घटना को अंजाम देने की बात करें, सप्ते तक लगभग वन वीक तो हो गया अभी मुजफ्फरपुर घटना का, कोई उसका निष्कर्षण नहीं आई। और जहाँ भी अभी औरंगाबाद का ही घटना आप लोग के चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि अपराध नहीं हो रही है। महाजंगल राज भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में महाजंगल राज चल रहा है बिहार में। तो तेजस्वी को 1990 का दशक दिलाया जा रहा है। 1990 को जब याद करते हैं तो 1990 की जब बात आती है तो आज भी जनता के दिमाग में एक बात आता है, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई को जो योद्धा माने जाते हैं, जिन्होंने जीता वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को याद किया जाता है 1990 के दौर में। कोई जंगल राज के दौर नहीं याद की जाती है, उस समय की याद किया जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, ये नेता लोग का टुच्चेगिरी, ये गोबर मानसिकता के लोग हैं। इनको कुछ भी कह लीजिए, ये लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी कह लीजिए, ये लोग को जो मन में आता है वो बोलना चालू कर देना है। मतलब कोई घटना पर भी अगर नेता प्रतिपक्ष का, आज तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हमारे प्रदेश का, हमारे बिहार का है, तो इनका दायित्व बनता है, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतना ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष नेता का भी होता है। ये जो जिसने भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ने अगर इस तरह के बयान दी है तो उसे सोचना चाहिए कि सरकार का पूरक होती है नेता प्रतिपक्ष होते हैं। एक नेता कहाँ, सम्राट चौधरी भी हमेशा जंगल राज की याद दिलाते, सारे भाजपा के नेता सम्राट चौधरी का नाम ही लेकर के आप लोग पहचान दे दिए। सम्राट चौधरी नेता है ही कहाँ, डिप्टी सीएम है वो तो बना देना डिप्टी सीएम हो जाता तो वोट बैंकिंग के लिए और जाति समीकरण सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया था, पर हुआ नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया है, इस बार सभी जाति का वोट परसेंटेज राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, इंडिया गठबंधन के साथ थी। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। क्या कुछ कहेंगे जब भी तेजस्वी अपराध को लेकर कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें 1990 का दशक याद दिलाया जाता है? देखिए, यह जो सरकार है ये पूरा लूट खसोट और भ्रष्टाचार में व्याप्त है और महाजंगल राज अभी चल रहा है। 90 में गरीब शोषित का सरकार था, अभी जो है महाजंगल राज है और सबसे बड़ा जो चोर है वो सम्राट चौधरी जी हैं। यही है, सम्राट चौधरी क्या किए वही करवा रहे हैं सब। कह रहे लालू तेजस्वी को बोलने का हक नहीं अपराध के ऊपर। सामाजिक न्याय के योद्धा लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अपराध के जनक हैं लालू जी बोलते नहीं हैं। कभी नहीं है वो बोल तो रहे हैं, उनको बोलने से क्या होगा, उनको बोलने से क्या होगा। सम्राट चौधरी जी अपना देखें, जंगल राज था उनके राज में, ऐसा कहीं से नहीं है। अब खटिया पर बैठना सिखाए हैं, हर एक गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। क्या नाम हुआ? अमरिंदर यादव। कह रहे हैं भाजपा वाले कि अपराध पे बोलने का हक नहीं है लालू तेजस्वी को। पूरा बिहार में जो है वो सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा ये चलाई जा रही है। दूसरा है कि कौन वो लोग हैं, आप देखिए ना, कास्ट का एनालिसिस कीजिए ना कि अपराधी कौन है, किस कास्ट से है। हम खुलेआम बोलना चाह रहे हैं किस कास्ट के लोग अपराध कर रहे हैं बिहार में। दूसरी बात है कि
अपने को बचाने के लिए हर चीज़ में ये लालू और तेजस्वी जी का नाम को ले आ रहे हैं ताकि अपने कुकर्म पे ही पर्दा डाल सकें। कौन सा कुकर्म? बहुत सारा है, आप देख लीजिए ना कि आज क्या हो रहा है बिहार में। तमाम जो दलित हैं आज बहन बेटी सुरक्षित है, मुजफ्फरपुर की हमारी घटना है उसको देख लीजिए क्या किया। जो मुद्दों पे बात नहीं करते वो लोग जो है 1990 का दशक याद दिलाते हैं, जंगल राज की बातें। कोई जंगल राज नहीं है, जंगल राज कहाँ था? जो लालू जी सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्या दौर था? कोई बैठने देता था गरीब को बैठने देता था? चले जाइएगा बोलेगा दलित और ओबीसी में बस 5 साल का तो फर्क है पानी का। 5 साल पहले ओबीसी का पानी चला हम लोग के जात में और 10 साल के बाद दलित का चला, यही तो फर्क बताता है। जो लोग अपने आप को समानतावादी विचारधारा मनुवादी लोग जो हैं वो यही तो कहते हैं अपराध को बढ़ावा देती है आरजेडी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप देख लीजिए ना जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, जो डाटा है, उस डाटा को ले आए ना सम्राट चौधरी और बात करें। और कौन है सम्राट चौधरी? लालू जी के पाठशाला का निकला हुआ एक बुतरू है, लालू जी के पाठशाला, बिल्कुल तो भाजपा में जो उम्र से पहले विधायक बन गया। बहुत सारा चीज है, मत खुलवाइए उतना। नहीं, बोल क्या हाल हुआ, क्या हाल किया बीजेपी? मक्खी की तरह दूध में पड़ा, मक्खी की तरह फेंक दिया ना, मुरेठा बांध के घूम रहे थे ना, क्या हुआ? ना मुरेठा बचा, ना पद बचा, और क्या चला गया ना। उनका एक ही था कि लालू जी के नाम को ले करके वो अपनी राजनीति कर रहे थे, लेकिन देख लीजिए आज कहाँ है। डिप्टी सीएम तो है ना, डिप्टी सीएम होने से क्या होता है? कुछ चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। पॉकेटवा में जो लेटर था नमवा का ही, जो अभी राज्यसभा वाला देख रहे हैं, कहाँ खुला? चला है टिकट में। सम्राट चौधरी का वो दशा हो गया है बीजेपी में कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, लेकिन बताए क्या? भाजपा के नेता नीरज कुमार बबलू ऐसा कह रहे हैं कि अपराध की जनक है आरजेडी। नीरज बबलू कौन है सो नहीं जानते हैं? क्या इतिहास रहा है नीरज बबलू का? क्या इतिहास रहा है? उनको हक है माने अपराध पर और जंगल आज पर बोलने का। हमको नहीं पता है कि क्या नीरज बबलू हैं सो बोल तो रहे कि लालू तेजस्वी क्षेत्र में जो आतंक मचा के रखे हुए हैं कौन लोग है? जो 90 के दशक में आप लिस्ट निकालिए ना कि कौन लोग आतंक मचाए हुए था लालू यादव के शासन में। लालू यादव नहीं नहीं नहीं, ये सब दुष्प्रसारित, देखिए ये पूर्णतः दुष्प्रसारित करने की बात है। बहुत सारा चीज है, आप लिस्ट निकालिए ना, एगो यादव का बता दीजिए ना अपराधी। अगर आप अपराधी शब्द को लाइएगा ना तो 4-5 नाम आपके दिमाग में गूंजेगा। कोई एक बता दीजिए ओबीसी बैकवर्ड दलित का नेता का आपकी छवि आपके नज़र में आ रहा हो। अपराधी शब्द मात्र से ही एक खास नाम के लोगों का आपके जहन में आता है। लेकिन बार बार जब भी तेजस्वी यादव अपराध पे कुछ बोलते हैं तो उन्हें जंगल राज की याद दिलाती है। बिल्कुल, चूंकि ये सही व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कोई मान रहा है, प्रशासन पर पकड़ है, पूरा अफसरशाही पूरे बिहार में हावी है, तो क्या करेंगे? बस उस आरोप को बचने के लिए तेजस्वी जी और लालू जी का नाम अलाप रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा सौरभ रंजन उर्फ हीरा यादव मेरा नाम। क्या कुछ कहेंगे जब भी तेजस्वी यादव अपराध पे कुछ बोलते हैं तो उनको जंगल राज 90 का दशक याद दिलाया जाता है। बोल ही दिए पहले के जो वक्ता है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो नीतीश कुमार का जो 20 वर्ष का शासन काल रहा है उसमें अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसरशाही हावी है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इन सारी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सम्राट चौधरी हो या और भी कोई नेता है जो अपना लालू यादव पर अपना कटाक्ष करके और इस तरह का बयानबाजी करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। बार बार उनको याद दिलाया जाता तेजस्वी यादव को 90 का दशक। मैंने 90 का दशक में क्या हुआ था? गरीबों का राज था तो उसको जंगल राज कैसे आप मैंने कह सकते? अपराधियों का बोलबाला था वही तो, गरीब जो थे उस समय के दौर में अपराधी थे। अच्छा। नहीं समझे? जो गरीब गुरुवा अपने हक और अधिकार के लिए जब रोड पर उतरा शासन प्रशासन के खिलाफ मैंने उसके आतंक के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उसको
अपराधी के माने बना दिया गया, इसमें कौन सा माने तो नया बात थोड़ी है। अपनी नाकामियों पर त्रेता में ओबीसी और दलित को राक्षस बनाया गया था ना, वही हाल इस समय है। जो अभी माने अभी का क्रिमिनल कौन होगा, गुंडा कौन होगा, वही ओबीसी दलित 90 का जो लड़ाई लड़ रहा था अपनी दूसरी आज़ादी, माने पहली आज़ादी 47 में मिली और बिहार में जो है माने आज़ाद बिहार के लोग आज़ाद एक्चुअली 1990 में हुए लालू यादव के शासन में। तो उस शासन को माने अपराधीकरण का माने ये किया जा रहा है, उस शासन सत्ता को अपराधीकरण माने किया जा रहा है। राज नहीं था लालू जी के राज में, जंगल राज रहता था, कोई जीता सबको शेर खा जाता, जंगल राज कहाँ कहीं था, नहीं था। नाकामियों को छिपा रहे हैं, सब नाकामी को छिपा रहा है, देख रहा है कि देखिए सामाजिक न्याय के लोग फिर से सत्ता में न आ जाए, इसलिए उस दौर को याद कर। जाति जनगणना पर क्यों नहीं बात करती है भाजपा का कोई नेता, अभी जाति जनगणना पर इतना सारा माने ये हुआ है, क्यों नहीं बीजेपी का एक भी नेता बात कर रहा है, डाटा क्यों नहीं पब्लिश कर रही है जाति जनगणना का, उस पर तो बात नहीं करेगी, काम का जिससे लाभ होगा जनता को उस पर कोई बात नहीं करेगी ये लोग, जिससे माने सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके बिहार में, उस तरह का कोई मुद्दा पर ये लोग बात नहीं करेगा, सिर्फ मुद्दा से भटकाना इनका काम है। धन्यवाद। चलिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है भाजपा वाले बार बार लालू तेजस्वी को 1990 का दशक याद दिलाते हैं। बाकी आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।